जो रिएक्शन है अब वह है रिडक्शन की प्रोसेस के अंदर है, मिरविन पॉन्डॉर्फ वर्ली रिडक्शन। शॉर्ट में इसको लिखते हैं MPV रिडक्शन, मिरविन पॉन्डॉर्फ वर्ली रिडक्शन। ओके, इसको वो प्रोनाउंस तो हम यही करते हैं, बट यहां पर दो एन यहां पर लिखे जाते हैं इस तरह से, और भी जो लेटर है पॉन्डॉर्फ वर्ली। ओके, तो होता क्या है इसमें देखिएगा, कीटोन को, कीटोन कोई भी कीटोन है, लेट की हमने एक कीटोन ले लिया CH3 प्रोपेनॉल, इसका रिडक्शन करना होता है। इसके रिडक्शन के लिए इसमें यूज किया जाता है जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो है एल्यूमिनियम आइसो प्रोपॉक्साइड, एल्यूमिनियम आइसो प्रोपॉक्साइड इसमें हम यूज करते हैं। ओके, तो बन जाएगा क्योंकि कीटोन है ऑब्वियसली कि रिडक्शन करेंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल ही बनेगा, इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो इस तरह से जैसे कि हमने यहाँ पर दिया हुआ है CH3 और CHS तो लगा ही हुआ है यहाँ पर CH3 CHOH, ये है कीटोन। कीटोन को हमने कन्वर्ट कर देना है सेकेंडरी अल्कोहल और इसका नाम हो गया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। मिरविन पॉन्डॉर्फ वर्ली रिडक्शन में कीटोन को एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड के साथ में रिड्यूस करके आप सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, मींस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल नहीं आपने। नाउ इसकी मैकेनिज्म किस तरह से होगी वो देखेंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड का फॉर्मूला, क्योंकि बहुत बार देखते हैं कि बच्चे इस फॉर्मूले को जो है रटने की कोशिश करते हैं, उसको कैसे आप याद करेंगे जिससे कि वो आसान हो जाता है, तो पहले उसको मैं बता दूं आपको जिससे कि आप जो है इसको रिएक्शन के दौरान यूज कर सकें। तो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड में जो दो पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, एल्यूमिनियम ओके आइसो प्रो पॉक्साइड ये हो गया। तो एल्यूमिनियम तो ठीक है, AL आप लिखते हैं, अब यहां पे इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं आइसोप्रोपॉक्साइड लिखे, तो आइसोप्रोपेनॉल हमें मालूम है आइसोप्रोपेनॉल अगर हमें मालूम है, जैसे कि अभी हमने आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी बनाया था सेम उसी तरह से है आइसोप्रोपेनॉल नहीं मालूम तो हमें सबको मालूम है कि प्रोपेनॉल मालूम होता है, तो प्रोपेनॉल का फॉर्मूला मालूम है तो उसका आइसो बनाया जा सकता है। जैसे हम देखते हैं कि ये है आपका प्रोपेनॉल CH3 CH2 CH2 OH, दिस इज द प्रोपेनॉल, आपने यहाँ से OH हटाया और यहाँ पे लगा दिया और यहाँ पर का H आपने यहाँ लगा दिया, तो ये है आइसोप्रोपेनॉल। अब आइसोप्रोपेनॉल तो आपने बना दिया, इसी का आइसोप्रोपॉक्साइड आपने ये हटा दिया, यहाँ से नेगेटिव आ गया, तो दिस इज आइसोप्रोपॉक्साइड। अब जैसे अगर यहाँ पर ऐसा होता लेट CH3 CH2 OH है इथेनॉल, ये हटाया तो आप क्या लिख देते हैं इथॉक्साइड, सेम उसी तरह से आइसोप्रोपेनॉल में भी एच हटा करके नेगेटिव होगा तो आइसोप्रोपॉक्साइड। तो एक तो हमने आपको ये बताया दो पार्ट जो थे इसमें, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। अब जो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड जो लिया आपने उसको मिक्स करना है, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड में लेना है जो, इन दोनों को मिक्स करके ये बना देना है। अब कैसे होगा देखिए, एल्यूमिनियम है ट्राइवेलेंट है, यहाँ पर एक नेगेटिव है, तो आपको मालूम है कि जब इसको आप लेंगे ये भी ले रहे हैं, इसमें एक नेगेटिव है और इसमें 3 नेगेटिव है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे यहाँ और ये यहाँ, तो फॉर्मूला हमारे पास आएगा AL, क्योंकि नेगेटिव ये है O, ठीक है CH, ठीक हो गया CH से 2 CH3
ट्वाइस, ये यहां आएगा तो ये पूरा का पूरा ये पार्ट होगा हमारा कितना, थ्री, ये थ्री हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड का जो फॉर्मूला बन गया वो ये बन गया, ए एल ओ सी एच, और भी शॉर्ट करके इसको लिखते हैं तो ए एल ओ सी एच एम ई टू, एम ई टू, और ये पूरे का हो गया आपका क्या, थ्राइस। तो ये है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। आपने यहां पर लेना है यही ए एल ओ सी एच एम ई का ट्वाइस और पूरे का क्या, थ्राइस, ठीक है। तो इसके बाद अब आपका क्या आता है, तो जब इसको बनाते हैं आप तो मैकेनिज्म, इसका जब आप मैकेनिज्म बनाएंगे तो इस स्ट्रक्चर को लेके पढ़ेंगे, तो देखिए कैसे सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री प्लस, यहां पे इसको पूरा बना लेते हैं, पूरा बना लेंगे ए एल, क्योंकि हमें एक की जरूरत पड़ेगी, एक को पूरा देख लेते हैं, ए एल, ए एल के साथ में लगा हुआ है ओ, फिर लगा हुआ है सी एच, और सी एच से लगे हुए दो सी एच थ्री, ये तो एक बना दिया, हमें एक की जरूरत पड़ेगी उसको पूरा बना, बाकी दो जो बचे इसके उसको कंबाइन एक कर लेते हैं, ओ सी एच एम ई टू का ट्वाइस, का ट्वाइस हमने लिया, होल ट्वाइस जो लिया वो इसलिए लिया कि ये टू ये हो गए और एक ये हो गया थ्री। जब हम इन दोनों को जो है लेते हैं तो किस तरह से रिएक्शन फॉलो अप होती है, सी और ओ के बीच में देखिए पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड जो है यहां शिफ्ट करेगा आगे, यहां पे ओ और ए एल के बीच में एक बॉन्डिंग स्टेट बनेगी। तो आप देख रहे हैं कि सी पे जो है जब ये यहां शिफ्ट करेगा तो पॉजिटिव आएगा, तो यहां पे जो आप देख रहे हैं सी और एच के बीच का जो ये बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, और ये जो एच आपको दिखाई, ये एच और इसके बीच में इंटरेक्शन, क्योंकि यहाँ पर अल्टीमेटली हाइड्राइड शिफ्ट होना है, क्योंकि ये जो कार्बोनिल कार्बन है पॉजिटिवली चार्ज होता है, यहां पर से ये वाला बॉन्ड जो है एज ए एच नेगेटिव यहां पर आउट होगा, तो ये एच नेगेटिव इससे जुड़ना है, ठीक है। तो ये पहले एक साइक्लिक स्टेट हम बनाएंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर एक बनाएंगे, क्योंकि ये बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा, ठीक है, ये यहां साइक्लाइजेशन बनेगा, तो यहां पे आ जाता है पूरा पहले सी ओ सी एच थ्री सी एच थ्री, यहां से एच, ये एच आ गया, सी सी एच थ्री का ट्वाइस, देन ओ, ओके, हियर ए एल, ए एल और ओ के बीच में बॉन्ड इंटरेक्शन, ओके, यहां पर ओ सी एच एम ई का ट्वाइस एंड ट्वाइस, ये तो कुछ इस तरह से इंटरेक्शन, ये हमारा पाई बॉन्ड है। अब पाई बॉन्ड यहां पर हमने लिया तो पूरा कंप्लीटली जो है अभी ये ब्रेक भी नहीं होना है, तो ये भी डॉट 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 रहेगा, ठीक है। अभी यहां पर कोई भी बॉन्ड हमने तोड़े नहीं है, जस्ट ये टाइप ऑफ द इंटरेक्शन, यहां भी आप डॉट 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 करके इस तरह से शो कर सकते हैं, क्योंकि अभी कोई भी बॉन्ड हमने ब्रेक नहीं किया। अब कंप्लीटली इसको ट्रांसफर किया जाएगा, कंप्लीटली कैसे ट्रांसफर होगा वो देखिए, ये जो बॉन्ड है ये कंप्लीट, अभी इसको अगर हम ऐसे ही लिखते हैं, ये कंप्लीट यहां ट्रांसफर होगा, ओके, ये कंप्लीट यहां ट्रांसफर, ये कंप्लीट यहां ट्रांसफर होगा। तो इस तरीके से कुछ जो मॉइटी बनेगी उसको देखें, सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री सी सी एच थ्री, ये आपका कंप्लीट यहां ट्रांसफर किया, जब इसको हमने यहां ट्रांसफर कर दिया
तो यहां पे आप देख रहे हैं कि क्या बॉन्ड आ गया, ये यहां है तो ये सॉरी इसके बीच बॉन्ड बना ओके, और ये एक तो सी एच आ गया, यहां पे जो डॉट था इसकी जगह पर हमारा आ गया सी एच, एक तो ये बन गया। दूसरा दूसरा चेंजेस कहां पर हुआ है, ये यहां आया तो यहां ओ और ये वो है आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर ऐसे कुछ बॉन्ड ए एल ओ सी एच एम ई ट्वाइस टू हो गया ओके। जो अलग हो गया है उसको देखिए, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट करके ये अलग हो गया है, तो इसके साथ में आया हमारा सी एच थ्री सी सी एच थ्री, ये है डबल बॉन्ड ओके। तो इतनी चीजें इस पर बन गई है पूरा, ये इधर आ गया, ये एच इसके पास आ गया, ये जैसे यहां हुआ ये डबल बॉन्ड आ गया ठीक है, और ये बॉन्ड यहां आ गया तो ए एल में जो आपका पॉजिटिव होता था ये बॉन्ड यहां होने से पॉजिटिव आता, तो ये यहां आ गया तो ये भी न्यूट्रल हो गया। तो एक स्पीसीज पहले हमें इस तरह से मिली। तो अब इसके बाद क्या चेंजेस होना है, हमारा फाइनल जो कंपाउंड बनना है वो तो ये बनना है। अब इस कंपाउंड को बनाने के लिए अब एक रिएजेंट इसमें एक और है जो कि हम बोलते हैं, वो हमने रिएजेंट अभी तो आपको एक रिएजेंट बताया क्योंकि अब आपने इसको यहां पहुंचाना है, तो इसके लिए क्या लिया जाता है, देखिए एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड तो ये हो गया, ये बोल इसके साथ एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड एक सॉलिड कंपाउंड होगा, इसको हम लेंगे किसी अल्कोहल में, जैसे अभी आपने देखा एक रिएक्शन आपने करी थी बेंजोइन कंडेंसेशन, बेंजोइन कंडेंसेशन में हमने क्या लिया था NaCN यानी कि सोडियम साइनाइड को किस में लिया था CH3OH में लिया था। ये जो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड है इसको भी हमने लेना होता है इन आइसोप्रोपिल अल्कोहल में लेना होता है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ठीक है, और एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड को इटसेल्फ बनाया भी जाता है आइसोप्रोपिल अल्कोहल से। अब इसके नेक्स्ट जो स्टेप होता है हमारा वो ये है कि ये तो साइड प्रोडक्ट बन गया, जो ये आपका बना है इसकी रिएक्शन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के साथ में, तो इसके लिए देखिए क्या है CH3 CH3 O Al O CH Me twice whole twice, तो प्लस CH3 CH, अगर पूरा ऐसे ठीक CH3 C OH H CH3, ये हो गया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। जब हम इन दोनों की रिएक्शन करते हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल जो यहां पे लिखा है वो ये फॉर्मूला होता है। इन दोनों में जो चेंजेस होते हैं वो किस तरह से होंगे, जो ये वाला बॉन्ड है वो और एल के बीच का बॉन्ड ये तो यहां शिफ्ट करेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है एक मेटल है, तो ओ और एल में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की, ये यहां शिफ्ट करेगा तो यहां पे आएगा आपका डेल्टा पॉजिटिव ठीक है, अभी ये डेल्टा नेगेटिव फॉर्म में है। तो इस वाले जो कंपाउंड में आपने लिया है देखिए, ये एच पॉजिटिव ये बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा, ये एच पॉजिटिव जो है ना आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एच है वो एसिडिक है, वो इसके साथ आ जाएगा ओ के साथ में ठीक है, और बचा हुआ पार्ट देखिए एल पॉजिटिव जो हमने लगाया है यहां पर उसमें ओ नेगेटिव से ये जुड़ जाएगा ओ सी एच सी एस थ्री सी एस थ्री यानी कि एम ई ट्वाइस सी एस थ्री, इसको हम एम ई मिथाइल लिख रहे हैं यहां पर मिथाइल, तो इस तरीके से दोबारा से आपको एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड मिल जाएगा। तो देखिए क्या है सी एच थ्री सी एच ओ एच सी एच थ्री और प्लस सी एस थ्री सी एच सी एस थ्री ओ एच और प्लस बन गया यहां पर ए एल
OCHME2 का हो जाएगा क्या थ्राइस, क्योंकि एक पार्टी यहां से आती है, प्लस AlOCHME2 का थ्राइस, होल थ्राइस हो जाएगा। एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड आपको दोबारा से मिलेगा, क्लियर। तो और एक आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो है वो ये जो कंपाउंड था आपका, यानी कि इससे ही ये जो हमने लिया था, इसका आपने जो है इसके साथ में जो कॉम्प्लेक्स बनाया था वो जो बना हुआ है, उस पूरे कॉम्प्लेक्स के साथ में आपका भी ये जुड़ा हुआ है जो मेन कंपाउंड है, उस मेन कंपाउंड को आपने आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करके किसमें कन्वर्ट कर दिया है, अल्कोहल। अब यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन ये हो सकता है आपको, ये भी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, बना भी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, तो इसी रिएक्शन को थोड़ा सा चेंज करके एक और कंपाउंड को लेकर के हम दे देते हैं। लाइट इसी में अगर हम चेंज करना देखें, सपोज हम नॉर्मल कीटोन न लेकर के, एक नॉर्मल कीटोन न लेकर के इसमें हम ले लेते हैं CH2CH3 ले लेते हैं यहाँ पे, तो इट मीन्स इसका यूपीएससी नेम आप देखिए 1, 2, 3 और 4 हमने ले लिया ब्यूट 2, ओके। अगर आपने ब्यूट 2 ओन लिया तो ब्यूट 2 ओन को आप ट्रीट करते हैं एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड के साथ में, यानी कि AlOCHME2 ट्वाइस थ्राइस हो गया इन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो उधर जो कंपाउंड हमें मिलता है वो ये मिलेगा CH2, ये हो गया CH2CH3, इट मींस जो कंपाउंड है वो है हमारा ब्यूट 2 ऑल, ये कंपाउंड बन जाएगा आपका ब्यूट 2 ऑल, ओके। सेकेंडरी अल्कोहल, ये भी सेकेंडरी अल्कोहल होगा क्योंकि क्या है कीटोन, ये आपने लिया हुआ है क्या कीटोन, कीटोन का जब रिडक्शन करेंगे तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल ही बनाना है। तो इसकी मैकेनिज्म देखिए कैसे होता है, इसको छोड़ करके ऐसे लिखें CH2CH3, क्लियर। पाई बॉन्ड आपका यहां शिफ्ट करता है, ठीक है, जब ये पाई बॉन्ड यहां से अभी जो हमने बनाया था तो ये सब चीजें तो होगी, तो इसमें साइक्लाइजेशन जो है, ये पाई बॉन्ड आपका ऐसे लेंगे हम, इस और इसके बीच में एक इंटरेक्शन होगा, और ये हाइड्रोजन का जो है ये वाले बॉन्ड का इंटरेक्शन हमारा इसके साथ में होगा, तो उधर जो बनना है जो साइक्लिक स्पीसीज बननी है वो इस तरह से बनेगी CH2CH3, ओके। बाकी इधर जो चीजें हैं वो तो वही लिया हुआ है, कोई चेंज नहीं किया है। फिर यहां पर जब साइक्लाइजेशन होगा तो हमने क्या किया, पाई बॉन्ड जो है ये पाई बॉन्ड कंप्लीटली हमने इसके बीच में शिफ्ट कर दिया, एयर और ओ के बीच में जो बॉन्ड है वो हमने कार्बन की तरफ शिफ्ट किया, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ है तो ये बॉन्ड यहाँ है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो पूरा हाइड्रोजन लेकर के जाएगा, यानी कि एज ए हाइड्राइड आयन यहाँ पर शिफ्ट हुआ, एक तरह से ये जो है हमारा हाइड्राइड आयन ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, हाइड्राइड आयन ट्रांसफर यहाँ पर ये भी हुआ है, क्योंकि आपने एच पॉजिटिव एच नेगेटिव जो है कार्बोनिल कार्बन को दिया हुआ है। उसके बाद आपने जो यहाँ पे आया तो इस तरह की एक स्पीसीज मिली जिसमें मेन मॉइटी के साथ में मेन जो कंपाउंड है ब्यूट 2 ओन के साथ में आपने AlOCHME2 का ट्वाइस आपने ऐड किया हुआ है CH2CH3, ठीक है ना। तो इतना बनने के बाद फिर और एक साइड प्रोडक्ट अलग हो गया, क्योंकि साइड प्रोडक्ट जो अलग हुआ है वो कीटोन अलग हुआ है, क्योंकि वो आइसोप्रोपॉक्साइड ग्रुप से निकला हुआ है, ये बॉन्ड यहाँ आया CH3 C डबल बॉन्ड ओ CH3 वो ये बन गया। फिर जो ये वाला था इसके साथ में जो सॉल्वेंट है, देखिए जो सॉल्वेंट है उस सॉल्वेंट को लेकर के आगे बढ़ना है हमने, तो सॉल्वेंट था हमारा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में से एच आप लेंगे, ये सिग्मा बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा, ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करेगा, ऑक्सीजन में आएगा हमारा नेगेटिव, उस नेगेटिव के साथ में ये जो एच है जो हाइड्रोजन है वो यहाँ जुड़ जाएगा एज एच पॉजिटिव, वो यहाँ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा CH3CH OH CH3, ये आ गया यहाँ पर एच, और उस
उसके बाद जो कंपाउंड हमें मिला वो मिल गया एक, ये चेंज कर देते हैं इसको, क्योंकि ये सी एच थ्री हमने सी एच थ्री ब्यूट वाला लिया था, यहाँ पर चेंज कर देंगे सी एच टू सी एच थ्री, ओके। और जो प्रोडक्ट हमें फाइनल मिलेगा वो यहाँ पे सी एच टू सी एच थ्री, यानी कि वन टू थ्री फोर, ये हो गया हमारा ब्यूट टू ऑल, ये कंपाउंड हमें मिलेगा, ठीक है ना। ब्यूट टू ऑल यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। इसी में एक इम्पॉर्टेंट और है जो हम कहते हैं कि मिरविन पॉन्डॉर्फ वर्ली रिडक्शन का जस्ट अपोजिट, इसका जस्ट अपोजिट अगर आप करें तो यहां से रिएक्शन को लेकर अगर आप यहां जाना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग नाम है, उसमें है हमारा जो ये हमने एमपी भी बोला, उसमें जो यहां से यहां रिडक्शन वाला है यहाँ आ जाएगा आपका ओपन और ऑक्सीडेशन। अगर आप यहाँ से यहाँ जाना चाहते हैं, इसका रिवर्स आप जाना चाहते हैं, तो उसके लिए वर्ड आएगा हमारा ओपन और ऑक्सीडेशन, वो जो है इससे नेक्स्ट। तो ये आपका हो गया मिरविन पॉन्डॉर्फ। अब इसके साथ में आप जो है कोई और भी अगर कंपाउंड लेना चाहते हैं तो उसको भी आप ले सकते हैं। लेट अगर हम साइक्लिक वाला ले लेते हैं, सपोज लेट कि हमें एक साइक्लिक कीटोन दिया हुआ है और इसके साथ में आपको दिया हुआ है एल्यूमिनियम आइसो प्रोपॉक्साइड, एल्यूमिनियम आइसो प्रोपॉक्साइड, ये हो गया एल्यूमिनियम आइसो प्रोपॉक्साइड, ओके। और नीचे दिया होगा आपको इसी का सॉल्वेंट आइसो प्रोपाइल अल्कोहल, मीन्स ऐसे दिया होगा CH3, CHOH और ये CH3, ठीक है। और इसी को शॉर्ट में अगर आपको लिखना है CH3, क्योंकि इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है CH, ME का ट्वाइस OH, इतने से CH3, CH3 को हमने मिथाइल लिख दिया, मिथाइल ट्वाइस और CHOH दोनों लिखी। तो इस तरह से अगर हमें दिया है तो समझ लीजिए ये हमें क्या दिया हुआ है, मिरविन पॉन्डॉर्फ वर्ली रिडक्शन दिया हुआ है, क्योंकि ये एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड है, साथ में जो है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, तो इसका भी जो है मैकेनिज्म जो है सेम उसी तरह से हमने बनाना है जैसे यहाँ। सबसे पहले क्या होगा आपका इस कंपाउंड के साथ में, यानी कि साइक्लोहेक्सेनोन के साथ साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा। साइक्लिक स्ट्रक्चर लेट इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे बनेगा। डबल बॉन्ड हो एल एल ओ सी एच एमई एमई ओ सी एच एमई ट्वाइस, ओके। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि ये बॉन्ड यहाँ आया, ओके, ये बॉन्ड यहाँ आया, और अगर इस बॉन्ड को बाद में तोड़ें तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर पहले बना लेते हैं। ये हो गया ओ, इसको डॉट डॉट डॉट, यहाँ से डॉट डॉट एल, एल के साथ में ओ सी एच एम ई टू ट्वाइस, ओके, ओ सी एच, एच के साथ में इंटरेक्शन एंड देन एम ई, कुछ इस तरह का बनेगा। देन फाइनली इसको ब्रेक कर देना है, ये भी पूरा डबल बॉन्ड ले लेते हैं,
ये बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा, ये हाइड्रोजन यहां पे शिफ्ट करेगा। ओके, तो ये बन जाएगा हमारा पहले जो ब्रेक होने के बाद ओ ए एल ओ सी एच एम ई टू ओ सी एच एम ई टू ट्वाइस। ये एच यहां आ गया, ठीक है, इतना बना। और साथ में ये जो कीटोन है वो अलग हो गया, एम ई सी डबल बॉन्ड ओ एन, ये सी डबल बॉन्ड। ओके, आफ्टर दिस दिस कंपाउंड ट्रीटेड विथ आइसोप्रोपिल अल्कोहल। O A L O C H M E 2 twice H plus C H 3 C yes O H C H H। So ultimately this H because of acidic this सिग्मा बॉन्ड शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ये एच पॉजिटिव जो है ओ के पास में शिफ्ट होगा। तो ये एच पॉजिटिव अगर ओ के पास में शिफ्ट होगा तो आपको मिलेगा ओ एच यहाँ आ जाएगा, एच तो लग चुका है, ये और ये मिलकर के जो है आपका एल्यूमिनियम आइसोप्रोप ऑक्साइड फिर से बन जाएगा। ए एल ओ सी एच एम ई टू OCH2 का थ्राइस वापस हो गया। ओके, बचा हुआ जो है वो एक साथ करना हमने, ये हो गया डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ ही आ गया, नो डबल बॉन्ड यहां पे आएगा H और ये H, क्योंकि साइक्लोहेक्सेनोल बन इसका जो बन जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉल, ये बनेगा साइक्लोहेक्सेनॉल, दिस वन इज द फाइनल कंपाउंड। दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल आल्सो, 2 डिग्री अल्कोहल। ओके, ये सब है हमारा मिरविन पॉन्डॉर्फ वर्ली रिडक्शन। इसका अगर अपोजिट कर देंगे, अगर यहां से यहां आते हैं आप तो इसको बोल देते हैं क्योंकि ब्यूटेनॉल है, ये ब्यूटेनॉल का कीटोन बन रहा है, यानी कि ऑल का कीटो बन रहा है, 2 डिग्री अल्कोहल का कीटो बन रहा है, तो इसको लिए जो वर्ड है वो ओपेन और ऑक्सीडेशन का वर्ड यूज किया जाता है। तो ओके, तो ये था एमपीवी रिडक्शन।